फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट, 10.5 न्यूटन की फोर्स है अलोंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, तो आपको क्या निकालना है, वर्टिकल की फोर्स निकालनी है, तो इसका कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, 10.5 कॉस 37, याद है एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट क्या बनता है, कॉस, तो 10 कॉस 37 में कॉस 37 की वैल्यू मैंने याद करने को कही थी आपको, कॉस 37 क्या होता है, 4/5 आंसर, तो पहला याद करना पड़ेगा कॉस 37 इज 4/5, क्लियर है, ये शीट ड्राइव पे डाल दी हुई है, आप वहां से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू, वैसे तो ये आता नहीं पर ये डाउट जरूर होता है, लोगों से सॉल्व नहीं होता, तो मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ, हालांकि मेरी हैंड रिटन शीट में भी था, मैंने इसको ऑप्शनल टॉपिक कह के छोड़ दिया था, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ जो कर सकते हैं एक बार देख लें। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5i कैप, 5i कैप का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, सारा कुछ वेक्टर में गिवन है, दिस इज यू वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू वेक्टर, अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन भी वेक्टर की फॉर्म में है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, 3i कैप + 2j कैप, ये भी क्लियर है, तो यू वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया, कोई डाउट इसमें, गिवन है ये, वो क्या कह रहा है मुझे, जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो जाता है इस पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल किसमें मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 हो जाता है उस टाइम पे मुझे आपको स्पीड बतानी है पार्टिकल की क्या होगी। अब एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है इसमें है ही नहीं, स्पीड भी नहीं दिख रही, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक काम करते हैं, मान लो आर वेक्टर उसका पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है जो मर्जी बोल लो, एंड यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट लगा के यू वेक्टर पता है, ए वेक्टर पता है, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, चलो पोजीशन वेक्टर आ गया, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म, यू वेक्टर पता है, ए वेक्टर पता है, तो आर वेक्टर आ गया, इसे ओपन कर लेना, आई वाली टर्म्स एक तरफ, जे वाली टर्म्स एक तरफ, तो ये टर्म आ गई, आई का कोफिशियंट क्या देते हैं आपको, एक्स कोऑर्डिनेट, और जे का कोफिशियंट क्या देते हैं आपको, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको स्ट्रेट वे कितना गिवन है, 84, उसने कहा डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 84, क्वेश्चन में गिवन है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इज 84, तो जो आई का कोफिशियंट है पूरे का पूरा, इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, 84, क्वाड्रेटिक बनेगी टाइम में, तो टाइम सॉल्व करेंगे, टाइम आएगा 6 सेकेंड, यानी कि जब x कोऑर्डिनेट 84 है तो उस टाइम टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड है, पर मुझे अब क्या निकालनी है, वेलोसिटी, एक काम करें, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें dr/dt, ये देखो डिफ्रेंशिएट करके v वेक्टर आएगा, तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, वेलोसिटी वेक्टर, अब वेलोसिटी वेक्टर टाइम की फॉर्म में है, तो मुझे टाइम क्या पुट करना है, जो ऊपर निकाला, ऊपर कितना निकाला, 6 सेकेंड, तो यहां पर 6 पुट करके वेलोसिटी वेक्टर आ गया, आपको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया आंसर, तो मतलब रूल नंबर 1, यू वेक्टर ए वेक्टर गिवन है तो आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट 84 गिवन है तो आपके पास टाइम आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर आ गया, टाइम को 6 सेकंड पुट करके वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया आंसर। अब ये अपनी अपनी वो है, अब ये नहीं कह सकते क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट हाँ एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो कैसे यूज किया है समझ में आया, यहां तक एक आइडिया समझ में आया, आपको इसमें यू वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, क्या निकालना है आपको, वी वेक्टर, कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, 84, आपको u वेक्टर गिवन है, a वेक्टर गिवन है, आप u और a को पुट करके r वेक्टर निकाल लें, निकाल लेंगे, इस r वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर निकाल लें, ये आ गई, आपको वेलोसिटी निकालनी है, कब, टाइम तो गिवन नहीं, तो टाइम निकालने के लिए आपको x गिवन है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, i का कोफिशिएंट x कोऑर्डिनेट होता है, तो ये आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 84, आप इस पूरे को 84 सॉल्व करके टाइम निकाल लें, उस टाइम को वेलोसिटी में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। ये ओपन करेंगे ना, आई वाली टर्म एक तरफ, जे वाली, आई कॉमन आएगा,
इसको ओपन करें, 3/2 आई कैप जे कैप टी ओपन करके कॉमन निकालना है, ये तो मैथ्स का स्टेप है। चलो इसके अलावा बाकी सब ठीक है इसमें। ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया था, मुश्किल था, ये हो नहीं सकता था एक्चुअल में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना टेन ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की कुछ ज़्यादा यूज़ हो रही थी, ये हो नहीं सकता, इसको आप मत करें। आप ये क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन सम ऑफ मैग्नीट्यूड, कितने लोगों का ये हो गया, हीट का क्वेश्चन था वैसे, कितनों को डाउट है, डाउट है। देखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज 16, तो मान लो दो फोर्सेज हैं ए और बी, इनका सम कितना है 16, और इनका रिजल्टेंट कितना है 8√3, तो रिजल्टेंट के अंदर फॉर्मूला पुट किया, ये इक्वेशन बन गई, स्क्वेयरिंग करके ये आ गया। फिर कह रहा है रिजल्टेंट ने एंगल 90 डिग्री बनाया, हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे किए, टैन बीटा का फॉर्मूला लगा के बीटा कितना है 90, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता था 0, किया था ना ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ से सॉल्व करके बी कॉस थीटा माइनस ए इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट करके ये टर्म आ गई, यहाँ से बी माइनस ए बी प्लस ए, अब बी प्लस ए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 16, तो यहाँ पुट करके क्या आ जाएगा बी माइनस ए, अब बी प्लस ए पता है बी माइनस ए पता है, सॉल्व करके बी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन शीट का ही प्रॉब्लम है वैसे, हैंड रिटन शीट, वो नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट की तैयारी करोगे ना आपको सब याद आ जाएगा, 10-90 वाले क्वेश्चन कैसे थे, टेस्ट जब संडे को दोगे वेक्टर का अपने आप याद आ जाएगा, रिवीजन राइट। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने दो बार करवाया आपको शीट में, एक बार भी नहीं करवाया, तो 10-90 वाला तो आपको फेमस याद ही होगा, 10-90 में डिनोमिनेटर को जीरो कर देते थे, कितनों को याद आ रहा है, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। 5 कितने लोगों ने का हो गया डाउट, किसी को हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। 6 में ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट। 7 में दो फोर्सेस हैं पी एक्टिंग एन एंगल ऑफ थीटा, रिजल्टेंट निकालना है। पी स्क्वायर 2PP कॉस थीटा, 2P स्क्वायर कॉमन आ गया। वो याद है फॉर्मूला करवाया था एक कॉस थीटा बाई 2 वाला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आंसर। एंड में मैथ्स लगेगा इसमें ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये किया हुआ है? सब्जेक्टिव शीट जो थी लास्ट टाइम उसका ही क्वेश्चन था, याद करो कि हमने कॉस थीटा निकालना था जब दो फोर्सेस थी ए प्लस बी और ए माइनस बी और इनका रिजल्टेंट ये था, तो मैंने ऐसा करवाया था इसको पी मान लें, इसको क्यू मान लें, इसको आर मान लें। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं, इसमें आप रिजल्टेंट पुट करें, पी और क्यू पुट करें, स्क्वेयरिंग करें, सॉल्व करें, थीटा आएगा। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने किया था, सब्जेक्टिव शीट में ऑलरेडी सॉल्व है ये क्वेश्चन वेक्टर्स की। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 10 में डाउट, 11 में डाउट, 3 वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लो ये जो एक वेक्टर है ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये या ए वेक्टर बी वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब लूंगा ए क्रॉस बी तो इसके साथ 90 पे होगा, तो ऑब्वियसली सी वेक्टर ए के साथ एंड बी के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90। क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल 90 बनते हैं वैसे। 12th में डाउट, 13 में डाउट, 14 में डाउट, 15 में डाउट, 14 में 14 क्वेश्चन हमने दो बार क्लास में किया है। कैसे? पोजीशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, एफ वेक्टर गिवन है और बॉडी कहां से कहां डिस्प्लेस हो रही है? इस वेक्टर से इस वेक्टर, आर वन वेक्टर है या आर टू वेक्टर है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? आर टू वेक्टर माइनस आर वन, तो एस वेक्टर आ गया। फिर वर्क डन क्या होता था? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर पता है डॉट एस वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट से आंसर। शीट की प्रॉब्लम है ये हमारी, शीट रिवाइज करनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट, मैं ऊपर भी था क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट, 15 16 में डाउट, ए डॉट बी जीरो, तो ए और बी 90 डिग्री पे हैं, ए क्रॉस बी 1 तो 90 पे हैं, क्योंकि ए बी कॉस ए बी साइन थीटा में थीटा 90 होगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर 90 डिग्री पे ही है। वैसे यहीं से पता लग ही रहा है ए और बी, अगर ए डॉट बी जीरो है तो ए और बी आपस में 90 डिग्री पे हैं, डी परपेंडिकुलर नहीं यूनिट वेक्टर होंगे ना, क्योंकि जब आप इसे ओपन करोगे तो ए बी साइन थीटा में ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का 1 साइन थीटा भी 1 तभी आंसर 1 आएगा ना। नहीं आंसर इसमें यूनिट वेक्टर होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ए और बी अगर यूनिट वेक्टर होंगे तभी तो उनका प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? 1 ना। हाँ वैसे जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर हो, क्योंकि ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू हाफ हो सकती है। हाँ यार परपेंडिकुलर होगा, ये जरूरी नहीं यूनिट वेक्टर है, सही कह रहे हो, क्योंकि ए अगर 2 ले लेते हैं और बी को हाफ लेते हैं तो ए बी साइन थीटा में 2 इंटू हाफ ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। हाँ परपेंडिकुलर बोलना चाहिए, यूनिट नहीं, जरूरी नहीं यूनिट है। 17th में, 18th में, 19, 20, सर, कौन सा? सर जो आपने अभी 16 क्वेश्चन में कहा कि परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाँ
उसमें पर डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही है। हाँ तो भी अगर परपेंडिकुलर नहीं, 90 डिग्री तो होगा पर यूनिट वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर लिखना है उसमें। हमें नहीं बताना मैग्नीट्यूड क्या है। 21 कितने का हो गया? 21 22 23 कितने का हो गया? 23 हो गया था। 24 25 ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, क्या निकालना है? पैरेलल है, पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं दो वेक्टर तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो बस क्रॉस प्रोडक्ट लो, अपने आप पी आ जाएगा आंसर जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ये देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर्स है ना, पी निकालना है आपको। नहीं बी नहीं है, अब पी आएगा यहाँ पे, सॉरी बी नहीं है, ये पी है, दिस इज पी, करेक्शन करो, ये पी है। तो आपको ये पी निकालना है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना है? जीरो। अब हो जाएगा